गार्डनिंग का जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगा, हमारे पौधे इसी तरह मरते रहेंगे। हम किसी ना किसी से खादों के बारे में, कीड़ों को मारने के बारे में ही पूछते रहेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं होगा कि पौधे की जड़ें उस गमले के अंदर उस जगह में खुश हैं या नहीं। जब हमें ये नॉलेज हो जाएगा तो फिर हमें सब कुछ पता चलने लग जाता है। गमलों में लगे पौधे क्यों मर जाते हैं? हम बहुत हिफाजत भी करते हैं लेकिन फिर भी पौधे मर जाते हैं कुछ ही अरसे में। गमलों के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं लेकिन उर्दू थंबनेल के साथ ये पहली वीडियो होगी। गमलों को हमें समझना पड़ेगा। पौधों का काम है बढ़ते जाना, अगर उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो। अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो पौधे स्ट्रेस में जाएंगे और एक टाइम आएगा आपके पौधे मुरझा जाएंगे। गमलों के अंदर पौधों की ग्रोथ रुक जाना एक साल के बाद या दो साल के बाद वो एक अलग बात है, क्योंकि रूट बाउंडिंग की वजह से जब जड़ों को जगह नहीं मिलती तो फिर जड़ें बाउंड होने लगती हैं, मिट्टी और जगह कम पड़ने लगती है तो फिर पौधे की ग्रोथ ऊपर से भी रुक जाती है, पत्ते पीले होकर गिरना शुरू होते हैं। लेकिन आज बात करने वाला हूँ आपको कौन सा गमला लेना चाहिए। गमलों की टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जनरल तीन टाइप्स हैं, प्लास्टिक का गमला, मिट्टी का गमला और सीमेंट का गमला। सबसे पहले बात करते हैं खूबसूरत गमलों के ऊपर, जिनके ऊपर आप अक्सर इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर पौधे लगे हुए देखते हैं खूबसूरत खूबसूरत प्लास्टिक के गमलों के अंदर, और वो पौधे हमें दिलकश भी लगते हैं, हम मोटिवेट भी होते हैं और हमें जोश भी आता है गार्डनिंग करने का और वैसा पौधा अपने घर में लाने का। लेकिन हम ले तो आते हैं, पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं, वजह क्या है? ज़रा गौर से इस वीडियो को देखिएगा और मेरी बातों को सुनिएगा। प्लास्टिक के गमले देखने पर बहुत खूबसूरत लगते हैं। प्लास्टिक के गमले बड़े साइज़ के हों या फिर छोटे साइज़ के हों, इनकी अपनी ही एक खूबसूरती है और पौधे लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। प्लास्टिक के गमले लाइट वेट भी होते हैं, प्लास्टिक के गमलों के अंदर काफ़ी कलर्स भी होते हैं। लेकिन प्लास्टिक का गमला कब और कहाँ यूज़ होगा, मिट्टी का गमला कब और कहाँ यूज़ होगा, इसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और वो बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज के ऊपर ही फाउंडेशन खड़ी होती है और जब फाउंडेशन मजबूत होगी तो फिर आपको सब कुछ करने में आसानी होगी। प्लास्टिक के गमले अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप शेडी एरिया वाले पौधे इसके अंदर लगा सकते हैं। फुल धूप में रखने वाले पौधे प्लास्टिक के गमले के अंदर लगाकर इसको धूप में नहीं रख सकते। अगर प्लास्टिक के गमलों के अंदर आप पौधे लगाएंगे, ऐसे पौधे जो गुलाब के होंगे, जो फूल देने वाले होंगे, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आप कोई पौधा धूप में रखेंगे, फॉर एग्जांपल गुलाब का पौधा धूप में अच्छा ग्रोथ करता है और इसको फूल भी धूप की वजह से ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर प्लास्टिक के गमले के अंदर ये पौधा लगा होगा, जब आप धूप में रखेंगे तो प्लास्टिक गर्म होगा, गर्मी की वजह से अंदर वाली मिट्टी भी गर्म होने लगेगी, जिस वजह से पौधे की रूट्स गलना शुरू हो जाएंगी, पौधा आपका जिंदा नहीं रह पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, प्लास्टिक के गमले के अंदर जब हम मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में पानी देने के बाद काफ़ी दिनों तक वो मिट्टी गीली ही रहती है। तो हम रेगुलर पौधों की तरह जैसा कि मिट्टी के गमले के अंदर पौधों में पानी डालते हैं, वैसा ही हमारी आदत होती है, पाइप पकड़ा और हर किसी में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहे। इसमें पहले से ही पानी होता है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डाल ही देते हैं पानी, तो मिट्टी पहले से गीली थी वो और गीली हो जाती है, इस वजह से भी रूट्स गलना शुरू हो जाएंगी, फिर पौधे की ग्रोथ ऊपर से रुक जाएगी। ये थी इनकी वजूहत कि प्लास्टिक के गमले के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो पौधे लगाने हैं जो शेड लविंग पौधे हैं। इंडोर पौधे अगर आप रखना चाहते हैं, कमरे के अंदर रखना चाहते हैं या सेहन में रखना चाहते हैं, तो फिर आप प्लास्टिक के गमलों का इंतखाब कर सकते हैं। इसका फायदा ये भी है कि हमें इसको बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी के गमले के अंदर हर 2 से 3 दिन के बाद हमें पानी देना ही पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी के गमले के बाहर वाली साइड पर सफेद सफेद सी काई भी आने लगती है और समटाइम गमले के नीचे जो सुराख है वहां से मिट्टी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, पानी भी निकलता है। लेकिन पानी कम मिलेगा तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए प्लास्टिक के गमले ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आपने कम पानी देना है, जहां पर धूप नहीं आती वहां पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके बाद सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाले गमले हैं वो है सीमेंट के गमले। सीमेंट के गमले भी नर्सरी से आपको मिल जाते हैं। ये मैंने गमला एक बनाया था सीमेंट का, बजरी और सीमेंट का मिक्सचर बनाकर, बहुत मजबूत है लेकिन इसके अंदर एरेशन भी नहीं होता जैसे कि प्लास्टिक के अंदर नहीं होता, हवा आर पार नहीं हो सकती, लेकिन जब इसके ऊपर धूप पड़ती है अंदर वाली मिट्टी जल्दी गर्म नहीं होती क्योंकि इसकी दीवार सीमेंट की होती है, काफ़ी मोटी होती है, तो अंदर पौधा लगा हुआ प्रॉब्लम में नहीं आता। लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम होती है कि मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती, और दूसरा इसका बहुत ज़्यादा वेट होता है। छत के ऊपर अगर आप रख रहे हैं तो फिर सीमेंट के गमले बिल्कुल भी ना रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट पड़ जाएगा छत पर।
देखने पर खूबसूरत लगते हैं, मजबूत भी होते हैं, लेकिन इनमें भी पानी जल्दी खुश्क नहीं होता और वजन बहुत ज्यादा होता है। और तीसरे नंबर पर आता है जो कि सबसे पुराने जमानों में इस्तेमाल होने वाले गमले थे, वो भी मिट्टी के गमले। मिट्टी के गमलों के अंदर हवा इन आउट भी हो सकती है, पानी इन आउट भी हो सकता है, क्योंकि ये मिट्टी की दीवार है। मिट्टी जब गर्म करके पका ली जाती है तो वो काफ़ी पोरस भी हो जाती है, छोटे छोटे से सुराख मिट्टी के अंदर होते हैं, जिस वजह से क्या फ़ायदा होता है कि मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो वो जल्दी खुश्क हो जाता है। हर वक्त मिट्टी गीली नहीं रहती, इस वजह से पौधे की ग्रोथ ओवरऑल बहुत अच्छी चलती है मिट्टी के गमलों के अंदर। और जब इसको धूप में रखते हैं तो मिट्टी गर्म नहीं होती, ये दीवार भी काफ़ी मोटी होती है और ये मिट्टी की होती है, हवा की क्रॉसिंग हल्की हल्की सी हो सकती है इसके अंदर से, तो इस वजह से अंदर वाली मिट्टी गर्म नहीं होगी और आपके पौधों की जान नहीं जाएगी। अगर पौधे ज़मीन में लगाए हैं फिर तो वेल एंड गुड है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होगी, ना ओवरवाटरिंग का जल्दी खतरा होता है, ना धूप की टेंशन होती है, क्योंकि बहुत वाइड एरिया आपको मिल जाता है। धूप अगर मिट्टी के ऊपर पड़ती भी है लेकिन साथ में हवा भी होती है, बहुत ज़्यादा चौड़ी ज़मीन होने की वजह से हीट नीचे तक जा नहीं पाती, तो इसकी वजह से पौधों की ग्रोथ चलती रहती है। और नए ज़माने में एक नया गमला आ गया जिसको ग्रो बैग कहते हैं। जब से ग्रो बैग्स आए हैं इन्होंने हमारी गार्डनिंग को उतना ही आसान बना दिया है, वज़न भी कम है, हवा की एरेशन भी इसके अंदर से होती है, फंगस भी एक्टिव नहीं होता, और ज़्यादा पानी मिल जाए तो भी मिट्टी ज़्यादा दिनों तक गीली नहीं रहती, क्योंकि ये एक कपड़ा है, प्लास्टिक का बना हुआ कपड़ा, जो पानी और धूप लगने की वजह से ख़राब भी नहीं होता। जो पेट बोतल होती है प्लास्टिक की, जो सोडा बोतल होती है, उसको पिघलाकर उसका धागा बनाया जाता है और उससे ये कपड़ा बुना जाता है, यानी ये कपड़ा ही प्लास्टिक का हुआ। 5 साल तक तो ये कहीं नहीं गया। जब आपने पौधे नहीं लगाने, मिट्टी को बाहर निकालिए, इसको धो लीजिए, इसको फोल्ड करके कहीं पर भी कपड़े को रख सकते हैं, दोबारा इसको बार बार यूज़ भी कर सकते हैं, तो इसके अंदर पौधों की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी रही। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जब हम अपने घर के अंदर वाले पौधे रखेंगे इसमें, तो जब पानी देंगे तो पानी इस कपड़े में से बाहर भी निकलेगा, फर्श भी आपका गंदा होगा और मिट्टी भी काफ़ी हद तक बाहर निकल आएगी, और बाहर वाली गमले की सतह, ये कपड़े की सतह काफ़ी गंदी गंदी सी हमें दिखती है। लेकिन छत के ऊपर या फिर ज़मीन के ऊपर आपने गार्डनिंग करनी है, सब्जियां लगानी हैं, फल वाले पौधे लगाने हैं, तो फिर ग्रो बैग्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कमरों के अंदर सेहन में या फर्श के ऊपर रखने के लिए ये ग्रो बैग्स बने ही नहीं हैं। ये देख सकते हैं ग्रीन काई आ रही है इसके ऊपर, जो कि देखने पर अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए ग्रो बैग्स का इस्तेमाल आउटडोर ही करें। छत के ऊपर कर सकते हैं, ज़मीन है, पार्क है, ग्राउंड है, वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन कमरे के अंदर जहाँ खूबसूरती है वहाँ पर रखेंगे तो आपकी खूबसूरती गंदी हो जाएगी। तो ये फ़र्क है प्लास्टिक के गमलों के अंदर। और ये जो डिब्बे आप देख रहे हैं ये थर्मोकोल के डिब्बे हैं, ये भी प्लास्टिक की ही टाइप है, इसके अंदर भी जल्दी मिट्टी खुश्क नहीं होती, क्योंकि इसकी दीवार के आर पार हवा हो नहीं सकती, ना पानी आर पार जा सकता है। तो ग्रो बैग सब्जियां लगाने के लिए सबसे बेस्ट आज के दौर में हैं, यानी 2021 से 2023 के ये बादशाह हैं। हर किस्म का पौधा आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो मेरी पसंद इनमें से कौन सी हुई, देखिए पसंद नापसंद की बात नहीं होती, हमें जिस चीज़ में अच्छा रिजल्ट लेना होता है हमें यूज़ टू होना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसका नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा। जब हम यूज़ टू हो जाते हैं हमें सब कुछ पता होता है कि किस में कितना पानी देना है, किसको धूप में रखना है, किसको छाँव में रखना है, तो फिर हमें ये सब कुछ मैनेज करने में आसानी होती है। तो मुझे भी अब आसानी होती है, पहले पहले मेरा भी बहुत जोश होता था, प्लास्टिक के गमले, खूबसूरत खूबसूरत गमले लेता और उसके अंदर पौधे लगाता और धूप में रख देता और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो पौधा ही मर जाता, मिट्टी भी गीली रहती थी, गीली मिट्टी की वजह से अंदर फंगस भी लग जाता था। तो ये सब बातें हमें टाइम टू टाइम खुद से ही सीखने पर मिल जाती हैं। तो आज के ज़माने में 2023 में मुझे इतना नॉलेज तो मिल चुका है कि मिट्टी के गमले हमने आउटडोर इस्तेमाल करने हैं, प्लास्टिक के गमले हमने शेडी एरिया में इस्तेमाल करने हैं, या इंडोर जो पौधे लगाते हैं मनी प्लांट वगैरह जिनको धूप की ज़रूरत नहीं होती, छांव में रखते हैं, वो पौधे हम प्लास्टिक के गमलों के अंदर भी लगा सकते हैं, और आउटडोर के लिए हम ग्रो बैग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन सीमेंट छत के ऊपर रखना अच्छी बात नहीं है क्योंकि बहुत हैवी वेट बन जाता है सीमेंट का। तो ये था फ़र्क गमलों के अंदर आपके पौधे क्यों मर जाते हैं। अगर आप सब कुछ छोड़ दें, खाली मिट्टी के गमले इस्तेमाल करना शुरू कर दें, देखिएगा डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपको खुद पर भरोसा होना भी शुरू होगा कि हमसे गार्डनिंग हो सकती है। गार्डनिंग का जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगा हमारे पौधे इसी तरह मरते रहेंगे, हम किसी ना किसी से खादों के बारे में, कीड़ों को मारने के बारे में ही पूछते रहेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं होगा कि पौधे की जड़ें उस गमले के अंदर उस जगह में खुश हैं या नहीं। जब हमें ये नॉलेज हो जाएगा तो फिर हमें सब कुछ पता चलने लग जाता है।
अब मैं चलता हूँ। खूब गार्डनिंग कीजिए, मिट्टी के गमले इस्तेमाल कीजिए, ग्रो बैग्स इस्तेमाल कीजिए या फिर प्लास्टिक के गमले इस्तेमाल कीजिए, डिपेंड आप पर करता है कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है, किन किन गमलों का, ये मैंने आपको बता दिया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।